first time that I'm presenting my poetry in front of 300 people and on a stage. मैं एमफिल कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इंग्लिश में और उर्दू से मुझे बेहद प्यार है लेकिन मैं इंग्लिश में ज़्यादा लिखती हूँ और अक्सर उन चीज़ों के बारे में लिखती हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें हमें छू जाती हैं जैसे अक्सर हमारे साथ कुछ होता है तो हम जैसे होप और फेथ के बीच में लड़ाई कर रहे होते हैं कि कौन जीतेगा तो ये पोइट्री उसी तरीके से है जब आप इसे सुनेंगे तो होप और फेथ जो है वो दोनों बहनें हैं और वो बाहर खेल रही है घर के बाहर आंगन में खेल रही हैं और अंदर से उनकी माँ उन्हें देख रही है तो दिस प्ले आई वुड लाइक टू राइट तो शुरू होती है डियर होप बी केयरफुल Dear Hope, be careful when you play with your sister fate. I now have broken pieces to gather, tangled promises to knit, wipe expectations off the windowsill. Then there also are failures to assemble. Popped into fine pieces, refined for dinner. You carefree doll of labyrinth, lifeless, yet smiled to the swing. Adorned in dresses of my rags and her bluffed wave, she often asks you to close eyes. Surprise, again a punch in your face. You, my little knotted fool. She too is innocent, innocence in oblivion, equally buffoon. Tirelessly taking blames for your misgivings. Ringing bells where one wasn't supposed. Sometimes possessive, at times open to share. She, gullible of her judgment, placed you in coarse hands. You, my fuzzy, soft wool. Delicate for the harshness, inappropriate. Yet rude, most wanted while setting yourself free, sliding down like the last remaining sand, always were carefree. Your sister clumsily offers nothing, for others everything on stand, notorious play of your two. Habitually, I observe with a teacup in my hand. Pleasantly, I ooze away my evening, for a fraction of guard. Where are you? What are you playing now? Out of my sight, only sound. Jumped off my comfort with the sound of one's boo. My thoughts splattered everywhere, stunned by the grip loose. Forgetful, freezing, fumbled, I stand. Who is the culprit when nothing left on ground? Wow. 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 Mera naam Vijaya hai aur main yahan Chandigarh ke college mein angrezi padhati hu. और पीछे मैं अंग्रेज़ी में ही लिखा करती थी मेरी किताब फर्स्ट इंस्टिंक्ट साहित्य अकेडमी से छपी भी है और अब लेकिन मैं हिंदी में लिखती हूँ तो मैं अपनी हिंदी की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ तो इस कविता का शीर्षक है रजाई बुढ़ापे की पहली निशानी है नाखूनों के नीचे गंदगी का जम जाना बुढ़ापे की पहली निशानी है नाखूनों के नीचे गंदगी का जम जाना बूढ़े लोग हाथ धोने से कतराते हैं उन्हें ठंड ज्यादा लगती है रजाई उन्हें दुनिया की सबसे शानदार जगह लगती है बहुत अच्छी जगह वे उसे लेकर निकल पड़ते हैं और घर के अंदर ही रजाई के एक मामूली से मोड़ से कभी पहाड़ कभी दरिया कभी दरख्त बन जाते हैं क्या बात बहुत अच्छे ऐसा नहीं कि उन्हें दुनिया की सैर में कोई दिलचस्पी नहीं पर रजाई को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता बहुत अच्छा खासकर हवाई जहाज पर तो बिल्कुल नहीं फिर रजाई चाल को बहुत धीमा कर देती है पेरिस में लूव्र के अंदर रजाई ले जाने की सख्त मनाही है उसी तर्ज पर न्यूयॉर्क लंदन एम्स्टरडैम के हर अजायब घर में रजाई को बाहर ही छोड़ देने के निर्देश हैं दुनिया के हर दर्शनीय स्थल को रजाई से खास जिड़ है नियाग्रा फॉल्स की हवाएं रजाई को उड़ा देना चाहती हैं साओ पोलो के नर्तक रजाई पर कड़े हुए फूलों और तितलियों पर नजर गड़ाए हैं उन्हें फूल अपने गजरों के लिए और तितलियां अपने जूड़ों के लिए चाहिए किसी अदृश्य नगाड़े की थाप पर वे बढ़ते आ रहे हैं उनके थिरकते कदम रजाई को रौन देना चाहते हैं उनके सुंदर शरीर कांसे की मूर्तियों से भी अधिक लोच लिए हैं उन्होंने सजाने की हर चीज
सिरों कलाइयों और पांवों में पहनी है, सूरज की रोशनी, चांदनी, हवाएं और बरसात उनके उघड़े शरीर के आमंत्रण को गहरी कृतज्ञता से चख रही हैं। रजाई की नरम रुई का भरोसा अभी उनके अथके विचारों को नहीं है, अभी उन्होंने जाने नहीं हैं उसके प्रतीकों के गूढ़ रहस्य, आम का पेड़, उस पर बैठा तोता और नायिका के हाथों में पत्र उनके लिए खास मायने नहीं रखते। अन कहीं से अधिक उन्हें कहीं में विश्वास है, जबकि रजाई अन कहीं की सम्राज्ञी है जो जीवन की कठिन से कठिन घड़ी को नींद को सौंप देना चाहती है। समस्याओं के हल वो गूढ़ फलसफी की भाषा में नहीं, सपनों की विखंडित उक्तियों में हम तक पहुंचाती है। सच तो ये है कि सिनेमा का पर्दा उसकी ही इजाद है। पहला चलचित्र रजाई के भीतर आंखों के बंद पर्दे पर ही तो देखा गया था। क्या बात, सातों नवग्रह उसकी मुट्ठी में छिल मिलाते हुए तारों से अधिक कुछ नहीं। ये बात किसी इतिहास में दर्ज नहीं कि रजाई या उससे मिलती जुलती चीज दुनिया के हर आविष्कार की तह में है। उसकी नर्म आँच दुनिया की हर निर्ममता का प्रतिकार करने में सक्षम है, ये सच्चाई यातना ग्रहों के प्रभारी सबसे बेहतर समझते हैं और नींद से वंचित रखते हैं उन्हें जिन्हें वे सबसे ज्यादा सताना चाहते हैं। उसकी नर्म आँच दुनिया की हर निर्ममता का प्रतिकार करने में सक्षम है, ये सच्चाई यातना ग्रहों के प्रहरी सबसे बेहतर समझते हैं और नींद से वंचित रखते हैं उन्हें जिन्हें वे सबसे ज्यादा सताना चाहते हैं। ये इसके मूल क्या था, इस पोएम का इंस्पिरेशन क्या था? रजाई थी। मतलब मैं एक्चुअली जैसे होता ही है कि ठंड के दिनों में एक पूरा होता है, नाखून आप ही गंदे हो जाते हैं कि आप ठंड लगती है, हाथ धोने से कतराते हैं। तो मुझे लगा कि वहीं से शुरुआत हुई। दरअसल मुझे लगा कि नाखूनों के नीचे गंदगी जम जाने का क्या मतलब है। मुझे लगा इसका मतलब यही है कि आप मतलब अब बूढ़े हो रहे हैं, कि आप हाथ धोना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ से फिर ये निकला कि फिर गर्माहट वाली क्या चीज़ है। और शिमला में मैं कुछ साल रही तो वहाँ इतनी ठंड पड़ती थी कि सच में वहाँ घर से निकलने को मन ही नहीं करता था। लगता था कि यू नो सब कुछ यहीं हो, दिस बिकम्स योर वर्ल्ड। तो वहाँ से देन इट काइंड ऑफ जस्ट यू नो या हाँ इट जस्ट काइंड ऑफ वन थिंग लेड टू अनदर, फिर बढ़ती चली गई वहाँ से। बहुत मेरा नाम नवीन मीर है, मैं डीसी ऑफिस में एज अ नोडल ऑफिसर कार्यरत हूँ। कविताएं और गजलें दोनों कहता हूँ। मेरे दो कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं आज, मैं लेकिन गजलें सुनाऊंगा आपको। एक अभी गजल का मतलब है, अगर माइक की जरूरत है बता दीजिए, ठीक है? नहीं, मैं अभी मेरा लाउड हो जाएगा, मेरा लाउड हो जाएगा। काम ऐसा बहुत किया मैंने, काम ऐसा बहुत किया मैंने, घर को सहरा बहुत किया मैंने। काम ऐसा बहुत किया मैंने, घर को सहरा बहुत किया मैंने, तुमसे लाया गया न जब मरहम, तुमसे लाया गया न जब मरहम, जख्म गहरा बहुत किया मैंने। शुक्रिया। तुमसे लाया गया न जब मरहम, जख्म गहरा बहुत किया मैंने, तुमको छूने की एक चाह में, शेर सुनिए, तुमको छूने की एक चाहत में खुद को मैला बहुत किया मैंने। शुक्रिया। तुमको छूने की एक चाहत में खुद को मैला बहुत किया मैंने, उससे आगे निकल कर भी देखो, शेर सुनिए, उससे आगे निकल कर भी देखो, उसका पीछा बहुत किया मैंने, उससे आगे निकल कर भी देखो, उसका पीछा बहुत किया मैंने, जिनको सब कुछ
सुनाई देता था, जिनको सब कुछ, जिनको सब कुछ सुनाई देता था उनको बहरा बहुत किया। काम ऐसा बहुत किया मैंने, घर को सहरा बहुत किया मैंने, तुमसे लाया गया न जब मरहम जख्म गहरा बहुत किया। शुक्रिया। मेरा नाम शम्स तबरेजी है। पिछले 38 सालों से शायरी कर रहा हूँ। रोज में मेरी 13 किताबें हैं। 36 साल तक शायरी करने के बाद मेरी हिम्मत हुई कि मैं अपना पोइट्री कलेक्शन ला सकूँ। हिम्मत हिम्मत रियली, क्योंकि शायरी को आपने लिखने की हिम्मत की या पब्लिश करने की हिम्मत? पब्लिश करने की। मैंने अर्ज किया 38 साल से बराबर शायरी कर रहा हूँ और पिछले 32-34 साल से हिंदुस्तान के हर बड़े स्टेज पर अपनी शायरी मुशायरों और कवि सम्मेलन और रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। और यानी शायरी को प्रिंट कराना, खास मैं बुनियादी तौर पे गज़ल का शायर हूँ और शायरी को मैं ऐसा नहीं समझता कि आपने अभी कोई बात आई और लिख दी। शायरी की कई फॉर्म हैं, अब इस पर अगर बहस होगी कभी तो मैं बताऊंगा। हमारे उर्दू के एक बहुत बड़े सीनियर शायर थे मीर अनीस जी, जी मरसिए के शायर थे, लखनऊ के रहने वाले। उन्होंने कहा था कि शायरी खेल नहीं है जिसे बच्चा खेले, शायरी खेल नहीं है जिसे बच्चा खेले। और जब उन्होंने ये शेर कहा था उस वक्त उनकी उम्र इतनी थी कि शायरी खेल नहीं है जिसे बच्चा खेले, हमने 55 बरस इस फन में है पापड़ बेले। तो ये अपने अपने तजुर्बे और अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। मैं गजल के माध्यम से बात कर रहा हूँ। खासतौर से जब आप शायरी करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत ही हाईलाइट, बहुत आगे रहती हैं। उसमें एक इमोशन तो आपके होते ही हैं, बगैर उसके तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते। शायरी क्या, अगर आपको घर से निकलना हो तो तब भी उसमें इमोशन और इमोशन दोनों चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप पोइट्री करते हैं तो पोइट्री के लिए 3-4 बड़ी खास चीज़ें चाहिए और उसके लिए आपको बहुत डीपली एक आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है, जो मैंने पढ़ा या लोगों के साथ बैठा या सीखा, लोगों की सोहबत में जाना, उसमें यह है कि सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन के बाद आपका ट्रीटमेंट क्या होता है उस चीज़ से जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फिर अगर आपको उसको पेश करना है तो क्या फॉर्म उसके लिए बेहतर होगी और उस फॉर्म में आप कहाँ तक अपने आप को बेहतर समझते हैं। जब फॉर्म की बात आती है, देखिए शायरी में सबसे खास चीज़ है डिक्शन। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, शायद आपको मालूम नहीं, मैं एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी उम्र 61 है। और तो मेरा अपना उस तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज करता हूँ, गजल के 4-5 शेर। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो ना जाए कहीं। गजल का मतलब है मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो ना जाए कहीं कि ख्वाब आंख में हो आंख सो ना जाए कहीं। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो ना जाए कहीं कि ख्वाब आंख में हो आंख सो न जाए कहीं, आंख सो न जाए कहीं। और गजल को मैं एक ऐसा, यानी एक ऐसा पैमाना मानता हूँ कि आप उसमें दुनिया की बड़ी से बड़ी बात छोटी से छोटी बात इशारे में कह सकते हैं। किसी को डायरेक्ट कहने का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ अगर नाम ले लिया तो वो शायरी भी नहीं है। मैं गजल की बात कर रहा हूँ, नज्म और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गजल की बात कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो ना जाए कहीं कि ख्वाब आंख में हो आंख सो ना जाए कहीं। मैं जानता हूँ बहुत रोज वो न ठहरेगा, मैं जानता हूँ बहुत रोज वो न ठहरेगा, मगर इस अरसे में वो जहर बो ना जाए कहीं। मैं जानता हूँ बहुत रोज वो न ठहरेगा, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूँ बहुत रोज वो न ठहरेगा, मगर इस अरसे में वो जहर बो न जाए कहीं। मगर इस अरसे में वो जहर बो न जाए कहीं,
जो एक अक्स अक्स शक्ल जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने, जो एक अक्स, सारी बातें वही कर रहा हूं जो आप तो टेलीविजन के रोज यही करते हैं, जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने वो शक्ल अब के से बरसात धो न जाए कहीं, जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने वो शक्ल अब के से बरसात धो न जाए कहीं, और उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका, उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका, और मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो ना जाएगा, उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका, और मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो ना जाए कहीं, और बढ़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा, बड़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा, बड़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा, है डर कि बूढ़ा शजर हमसे खो न जाए। थैंक यू सर। पहले तो सत श्रीकाल, मैं कोई नहीं नवीन जी को पता है थोड़ा, अच्छा मैंने लग रहा है कि मैंने पंजाबी भी कमी पूरी करना चाहिए, अगर चल रहा है मेरा से आशीर्वाद ये था ना न्यूज रूम सन है एक तरह का फर्क इतना है कि मैं अपडेटेड था इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब मुझे लगूंगा मेरा नाम जगजीवन मीर, पंजाबी की कविता लिख रहे हैं, गजल लिख रहा हूँ, लेकिन आज भी गजल नहीं सुनानी है। एक मैं एक ना एक कंसेप्ट जो मैं देख रहा ना, मैं जमीन के बहुत बार समझा कर चुका हूँ, लेकिन ये तीखी स्टेज है उस कंसेप्ट की, वो कहते बार आप फिर शेयर करेंगे इस बारे में, कि स्टूडेंट के नाल अस बैठ के लैंग्वेज को कविता लेके गल कर रही है, उन्होंने कविता फिर सुननी है, वो एक वक्रा तरह का कंसैप्ट है, मैं फिर किसी तरह साझा करा, लेकिन एक कविता बुद्ध मेरे बहुत नेड़े रहे हैं, तो मैं बुद्ध को ही कविता शुरू करूँगा। हवन कुंड है कविता नाम, तकरीबन एक कब्जा हर जगह पढ़ना, इस तो बाद ही मैं कोई पढ़ना जिस पढ़ना होगा तो हवस कुंड है जी, कि मैं किसे जन्म ऋषि सा, मैं किसे जन्म ऋषि सा वेद लिखता सी, मैं किसे जन्म ऋषि सा वेद लिखता सी, जटामा भी सी मेरे ते हवन कुंड चो मंत्र पढ़ता सी, मैं किसे जन्म ऋषि सा वेद लिखता सी, जटामा भी सी मेरे ते हवन मुंचो मंत्र करता सी, किसे जन्म मेरी तपस्या भंग हुई सी, किसे जन्म मेरी तपस्या भंग हुई सी, जदो किसे ऋषि की तपस्या सुधिगम फैल जाए तो वो अगले जन्म कवि हो जाने, जदो किसे ऋषि की तपस्या सुधिगम फैल जाए तो वो अगले जन्म कवि हो जाता है, मैं किसे जन्म ऋषि सा। एक कविता हो रहा जी सराब, तेनू जिथे रब की मूर्ति वांग रखिया सी वो मंदिर में इको हथ मार के टाल, तेनू जिथे मैं रब की मूर्ति वांग रखिया सी वो मंदिर में इको हथ मार के टाल दिता, कच की मूर्ति मूह भर लिख पी, कच की मूर्ति मूह भर लिख पी, ते मेरे मत्थे चो लहू की तकीरी वक्त, मेरे मत्थे कच की मूर्ति मूह भर लिख पी, ते मेरे मत्थे चो लहू की तकीरी वक्त, मूर्ति ने मेरे मत्थे ते हाथ रखा, कविता दिखा इतने कविता की है कि मूर्ति ने मेरे मत्थे ते हाथ रखा, खुद नू शराब दे के मिट्टी हो गई, मूर्ति ने मेरे मत्थे ते हाथ रखा ते खुद नू शराब दे के मिट्टी हो गई, ते मैं मत्थे उपरों लहू लगदा पैरां तक तिरक गया, पैरां तक तिरक गया, तैनू जिथे रब की मूर्ति वग रखिया सी मैं वह मंदिर इको हथ मार के टाल दिता। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
which मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ. मैंने एक बार स्कूल में ट्राई किया था हिंदी में लिखने का. पोएम का नाम था क्या नहीं है मेरे देश में. तो पर उसके बाद से मेरे प्रोफेसर ने आके बोला तू ना इंग्लिश में ही लिख. बट मैं जब भी ये पोएट्री सेशंस के लिए जाता हूँ इंग्लिश में मेरे को हमेशा लगता है कि देर इज अ लिमिट ऑफ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन. पर उर्दू में जब मैं सुनता हूँ या हिंदी में सुनता हूँ तो स्काई रॉकेट कर जाता है इमोशन. इतनी इतनी डेप्थ है कुछ शब्द.